या देवी सर्वभूतेषु मा कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां आदि शक्ति की 9 रूपों की पूजा होती है। इस दौरान भक्तगण मन क्रम और वचन से शुद्ध होकर मां आदि शक्ति की पूजा आराधना करते हैं। मां जब प्रसन्न होती हैं तब अपने भक्तों के घर धन धान्य से भर देती हैं। यश वैभव धन धान्य सुख समृद्धि और मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अवश्य करना चाहिए। जिन मां की स्तुति ब्रह्मा विष्णु और महेश समेत देवता गण और ऋषि करते हैं उन मां की स्तुति करने वाला वास्तव में सौभाग्यशाली ही है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जो मां की पूजा आराधना से वंचित रह गया इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ऐसी कल्याणकारी मां भगवती को हम नमस्कार करते हैं। मां भगवती हमारी सदैव रक्षा करें। आज नवरात्रि पर्व का 4था दिन है और नवरात्रि के 4थे दिन मां दुर्गा के 4थे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा होती है। मां कुष्मांडा की पूजा के समय लाल गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मां कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस भोग को लगाने से मां कुष्मांडा प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। मां कुष्मांडा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, इससे मां प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अपनी मंद मुस्कान से पिंड से ब्रह्मांड तक का सृजन देवी ने इसी स्वरूप में किया था। कुष्मांडा स्वरूप के दर्शन पूजन से न सिर्फ रोग शोक दूर होते हैं अपितु यश बल और धन में भी वृद्धि होती है। काशी में देवी के प्रकट होने की कथा राजा सुबाहु से जुड़ी है। देवी कुष्मांडा का मंदिर दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थित है। इन्हें दुर्गा कुंड वाली दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार काशीराज सुबाहु दुश्मनों से लड़ते हुए यहां घंघोर जंगल में पहुंचे। थकान के कारण पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सैनिकों संग विश्राम किया। इस दौरान देवी का स्मरण कर कृपा की याचना की। आंख लगी तो स्वप्न में देवी ने यही निवास करने की इच्छा जताई। नींद खुलने पर राजा ने दुश्मनों को परास्त किया और पेड़ के नीचे देवी उपासना शुरू कर दी और पूजा पाठ के लिए पुरोहित नियुक्त किया। और कुछ कालोपरांत राजा ने नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। 18वीं शताब्दी में जब बंगाल की महारानी भवानी काशी आई तो भ्रमण के दौरान उन्हें पीपल के नीचे भीड़ दिखी। पूजा आराधना के बारे में जानकारी की तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद श्रद्धालु रानी ने देवी कुष्मांडा का विशाल भव्य मंदिर और कुंड बनवाया जो आज भी दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। आइए श्रवण करते हैं कुष्मांडा माता की पौराणिक कथा। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुत मेच दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। अपनी मंद और हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था तब इसी देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहते हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल धनुष बाण कमल पुष्प अमृत पूर्ण कलश चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो प्रेम से बोलिए मां कुष्मांडा की जय। कुष्मांडा माता का मंत्र ओम देवी कुष्मांडायै नमः। कुष्मांडा माता का ध्यान वंदे वांछित कामर्थ्य चंद्रार्धकृत शेखरा सिंह रूढ़ा अष्ट भुजा कुष्मांडा यशस्विनी।
भास्कर भानु निभाम अनाहत स्थितां चतुर्थे दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलो चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपोटी धराम पटाम्बर परिधा नाम कमनिया मृदु हास्य नाना लंकार भूषिताम मंजीर हार के युज किनकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदनाम चारु चिबुकाम कांत कपोलाम तुंग कुचाम कोमलांगी अस्मेर मुखी श्री कंटी निम्न नाभि नितंबने कुष्मांडा माता का अस्तोत्र पाठ। दुर्गति नाशिनी त्वम हि दरिद्र आदि विनाशिनी जयम दा धनम दा कुष्मांडे प्रणमाम्यम जगत माता जगत कत्रे जगदाधार रूपिणी चरा चरेश्वरी कुष्मांडे प्रणमाम्यम त्रिलोक की सुंदरी त्वम हि दुख शोक निवारिणी परमानंदमयी कुष्मांडे प्रणमाम्यम। कुष्मांडा माता का कवच। हंसरई में सिर पातु कुष्मांडे भवनाशिनी हसल करीम नेत्रे च हंसरोश्च ललाटम कौमारी पातु सर्व गात्रे वारा ही उत्तरित था पूर्वे पातु वैष्णवी इंद्राणी दक्षिणे मम दिग्वी दिक्षु सर्वत्रेव कुम बीजम सर्वदावतु। अब सभी भक्तगण हाथ जोड़कर माँ कुष्मांडा का ध्यान करे आरती होने वाली है। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो मेहरानी लाखो नाम निराले तेरे भक्त कई मत वाले तेरे भीमा पर्वत पर है डेरा स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महारानी सबकी सुनती हो जगदम्बे सुख पहुँचाती हो मायम्बे तेरे दर्शन का मैं प्यासा पूर्ण कर दो मेरी आशा। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महरानी माँ के मन में ममता भारी क्यों न सुनेगी अर्ज हमारी तेरे दर पर किया है डेरा दूर करो माँ संकट मेरा। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महरानी मेरे काज पूरे कर दो मेरे तुम भंडारे भर दो तेरा दास तुझे ही ध्याए भक्त तेरे दर शीश झुकाए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महरानी कुष्मांडा जय जग सुखदानी मुझ पर दया करो महरानी। प्रेम से बोलिए कुष्मांडा माता की जय।